हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आईआईबी मैजिक मंत्रा आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस टॉपिक से एग्जाम ओरिएंटेड सब कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट इस पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं राइट सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन सो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ह्यूमन वेलफेयर ये टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं माइक्रोब्स की जैसी बात करते हैं तो हमें ध्यान में आते हैं अलग अलग माइक्रोस्कोपिक जीव जैसे कि हमें पता ये चल जाता है कि माइक्रोब्स हम कहें तो हमारे सामने कुछ जीव आ जाते हैं दैट इज नथिंग बट बैक्टीरिया हम कहें जो कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रॉड हो सकते हैं बैसिलस हम जिन्हें कहते हैं कोकाई हो सकते हैं ओवल शेप्ड तो उसी के साथ साथ माइक्रोव्स में आ जाते हैं प्रोटोजोआ जो हम कहते हैं कि यू कैरियोटिक यूनिसेलुलर्गेनिजम्स वन हो बेटा राइट right? पानी की सतह पर हमें देखने को मिलते हैं हम बेटा, तो उसी के साथ साथ माइक्रोब्स में फंगाई आ जाते हैं बेटा आर यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी व्हाट वॉट यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वन तो उसी के साथ साथ माइक्रोब में आ जाते हैं वायरसेस बेटा वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रा पैरासाइट्स यानी उन्हें ग्रो होने के लिए स्ट्रिक्टली लिविंग होस्ट की जरूरत होती है और उसी के साथ साथ वो पैरासाइटिक है मतलब जिस सेल पर वो अटैक करते हैं उसी सेल की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी उसी सेल की रेप्लिकेशन मशीनरी का उपयोग करके अपने प्रोटीन यानी अपना कैप्सिड बनाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए बनाने का वो काम करते हैं यानी वायरसेस हम उसे कहते हैं उसी के साथ साथ हम वायरोइड्स भी कहते हैं वायरॉइड्स मतलब वायरस लाइक इन्फेक्शियस एजेंट्स वन जो पैथोजेनिक कहलाते हैं यानी डिसीज भी वो फॉर्म करते हैं डिसीज कॉज करने का वो काम करते हैं वायरोइड्स और उसी के साथ साथ एक और यहाँ पर आ जाता है दैट इज प्रियंस हम कहते हैं प्रियोन्स मतलब जब वो डिस्कवर हुए थे तो वो प्रोटीनशियस इंफेक्शियस एजेंट थे राइट प्रोइन कहा जा रहा था बट इसे किया गया, कहा जाता है। तो so, ये ये हर हर जगह जगह पर पर हैं, हैं। हो, 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 और उन्हीं माइक्रोब के एक रोल की हम आज बात करने वाले हैं दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट सो लेट स्टार्ट द पॉइंट सो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट हम कहें तो हमें पता है कि सिटीज में यानी मेट्रो सिटी की बात करें तो डेली बेसिस पर हजारों लीटर वाटर प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट वाटर हम उसे कहते हैं यानी ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या होता है तो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है बेटा और इस वेस्ट वाटर में क्या होता है तो दिस वेस्ट वाटर कंटेेंस व्हाट ह्यूमन एक्सक्रीटा राइट क्या क्या होता है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटा हम कहते हैं यानी रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट इस पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं बेटा एक सब कंटेंट हम कवर कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस टॉपिक से बेटा हमने क्या समझा कि डेली मेट्रो सिटीज में हजारों लीटर क्या होता है तो ह्यूमन एक्टिविटीज से वेस्ट वाटर जनरेट होता है प्रोड्यूस होता है बेटा डेली बेसिस पर तो उस वाटर में यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है और ऐसा मुंसिपल वेस्ट वाटर कि जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उस वाटर को सीवेज वाटर कहा जाता है राइट यानी म्युनिसिपल राइट म्युनिसिपल वेस्ट वाटर वेस्ट वाटर को हम क्या कहते हैं कि जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे सीवेज कहा जाता है जैसे हम इसे सीवेज की बात करें तो इस सीवेज में दो कंपोनेंट होते हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं यानी सीवेज वाटर में कितने कॉम्पोनेंट है बेटा दो मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं यानी इस वेस्ट वाटर में दो मेजर कॉम्पोन होते हैं दैट इज नथिंग बट इस वाटर में क्या होता है तो पहले तो हमने समझा कि वेस्ट वाटर में क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटा है और ऐसा म्यूनिस्पल वेस्ट वाटर के जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा एक्सक्रीट आइट उसे सीवेज कहा जाता है और सीवेज वाटर में दो मेजर कॉम्पोन होते हैं दैट इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक मैटर उसमें काफी ज्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा होता है बेटा राइट लार्ज अमाउंट में होता है Large amount में होता है, okay? और उसी के साथ साथ उस वाटर में माइक्रोब्स काफी ज्यादा होते हैं माइक्रोब्स काफी ज्यादा होते हैं मतलब ये दो कंपोनेंट उस वाटर में होते हैं यानी वो ह्यूमन एक्सक्रीटा है किसी पर्सन को कुछ इंफेक्शन है तो वो भी उसके स्टूल से

पैथोजेनिक मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं डिसीज कॉजिंग और इस सीवेज वाटर वाटर को किसी भी नेचुरल बॉडी में छोड़ना खतरनाक होगा रिलीज करना खतरनाक होगा दैट इज दिस वाटर शुड नॉट बी रिलीज इन टू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर हो स्ट्रीम हो इसमें छोड़ना खतरनाक होगा क्यों सर तो इससे दो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं दैट इज ये वाटर अगर नेचुरल वाटर बॉडी जैसे कि रिवर हम कहें स्ट्रीम हम कहें उसमें अगर रिलीज करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण वो वाटर पोल्यूशन करता है उसी के साथ साथ उस वाटर में काफ़ी ज़्यादा उस सीवेज वाटर में पैथोजेनिक माइक्रोब होने के कारण वो वाटर अगर उस नेचुरल वाटर बॉडी में मिक्स होता है और उस वाटर को अगर इंसान कंज्यूम करता है तो उस वाटर से क्या होता है पैथोजेनिक माइक्रोब्स राइट यानी पॉपुलेशन में इंटर होते हैं ह्यूमन बींग्स में इंटर होते हैं और उसकी वजह से काफी सारे वाटर वॉटरबॉन्ड डिसीजेस पॉपुलेशन में दिखाई देते हैं डायरिया हो डिसेंट्री हो बेटा कॉलरा हो जॉन्डिस हो बेटा ऐसे अलग अलग डिसीज पॉपुलेशन में दिखाई देते हैं और इसकी वजह से इस वाटर को नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ना खतरनाक होगा बेटा राइट तो फिर इस वाटर का क्या किया जाए कि जो हजारों लीटर रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस होता है इसे नेचुरल वाटर बॉडी में तो छोड़ नहीं सकते क्यों नहीं बेटा तो वाटर वॉटरबॉर्न डिसीज पॉपुलेशन में दिखाई देंगे राइट यानी दिस वाटर, राइट वो भी लाइन हम लिखते हैं बट दिस वाटर, वाटर, शुड नॉट बी रिलीज शुड नॉट बी रिलीज इन नेचुरल वाटर बॉडीज नेचुरल वाटर बॉडीज उसमें छोड़ना खतरनाक होगा बेटा वाटर बॉडीज राइट में छोड़ना क्या होगा खतरनाक होगा बिकॉज विल कॉज टू प्रॉब्लम दैट इज नथिंग बट इट विल वॉट इट कॉज द वॉटर पॉल्यूशन वॉटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम स्टार्ट होगा और उसी के साथ साथ पॉपुलेशन में वॉटरबॉन्ड डिसीज दिखाई देंगे सर वॉटरबॉन्ड डिसीज मतलब क्या होता है तो खराब पानी पीने से होने वाले जो भी डिसीजेस है उसे हम वाटरबॉन्ड डिसीजेस कहते हैं यानी किसी पैथोजन की बॉडी में एंट्री होना उसे हम इंफेक्शन कहते हैं यानी इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ेंगे मतलब मान लो कि कोई एक रिवर है और उस वाटर में सीवेज वाटर रिलीज किया गया है और वो रिवर एक गांव से दूसरे गांव जा रही है और कुछ लोग जो उस रिवर के किनारे रहते हैं वो लोग उस पानी को पी रहे हैं तो उस वाटर से उस कंटेमिनेटेड वाटर से पैथोजेनिक माइक्रोब जो सीवेज की वजह से उसमें एंटर हो चुके हैं वो उनके बॉडी में एंटर होंगे उनके उन्हें इन्फेक्शन होगा मतलब वॉटरबॉर्न डिसीजेस पॉपुलेशन में दिखाई देंगे वाटरबॉर्ड डिसीजेस मतलब खराब पानी पीने की वजह से जो डिसीज होते हैं उन्हें वॉटरबॉन्न डिसीजेस कहा जाता है डायरिया हो कॉलरा हो डिसेंट्री हो बेटा ऐसे डिसीजेस पॉपुलेशन में दिखाई देंगे और ये तो खतरनाक बात है बेटा एपिडेमिक डिसजेस है ये पॉपुलेशन में दिखाई देंगे इसलिए इस वाटर को नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ा छोड़ना नहीं चाहिए बेटा तो अब क्या किया जाए तो इस वाटर को ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है ट्रीटमेंट देना मतलब इस वाटर में दो मेजर कंपोनेंट है बेटा कौन से तो इसमें क्या है मेजर कंपोनेंट तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफी काफी ज्यादा ज्यादा है है और पैथोजेनिक माइक्रोब्स तो उन्हें कम किया right? कम किया किया जाए जाए राइट ताकि वाटर जो है जो कि स्टार्टिंग में काफी ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल था उसका ज्यादा बिकॉज ऑफ काफी ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर था तो ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है जो भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर है उसे कम किया जाता है उसे डिक्रीज किया जाता है राइट right? और उसी के साथ साथ पैथोजेनिक माइक्रोव को भी हटाया जाता है मतलब सीवेज को ट्रीटमेंट देना मतलब उसमें जो भी कुछ राइट ऑर्गेनिक मैटर है उसे कम करना पैथोजेनिक माइक्रोव है उसे खत्म करना राइट right, और तब वो क्या होगा आफ्टर ट्रीटमेंट वो वाटर कैसा होगा लेस पोल्यूटिंग होगा और लेस पोल्यूटिंग होने के बाद आप नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ सकते हो उसे और वही हमें लर्न करना है कि किस तरह से ये प्रोसेस ड्राइव किया जाता है चलाया जाता है सो दिस वाटर शुड हैव टू शुड नॉट बी है उट ट्रीटमेंट इन टू द वॉट सीवेज यानी नेचुरल वॉटर बॉडी में छोड़ना खतरनाक होगा तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम कहते हैं इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।, प्लांट में इसे शॉर्टकट में एनसीआरटी से एस टीपी कहता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर सीवेज को ट्रीटमेंट दिया जाता है राइट दीवेज this is sewage in a west water municipal west water sewage is treated 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 so that so that it will be less pol less polluting

उस सीवेज वाटर में जो भी हिट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है उपयोग किया जाता है। इस सीवेज में से जो काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है उसे कम करने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है राइट right? वो भी लाइन हम मेंशन करते हैं बेटा वो भी लाइन हम मेंशन करते हैं दैट इज हिट्रोट्रोपिक माइक्रोब हिट्रोट्रोपिक माइक्रोब माइक्रोब प्रेजेंट यानी उसी वाटर में हम कहा हम कर रहे हैं माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज आर यूज ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये बात हमें ध्यान में रखनी है ओके यानी उसी वाटर में जो हेट्रोटॉपिक माइक्रोब होते हैं

Osionfish. हम उन्हीं की बात करेंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट दो स्टेप से किया जा रहा है बेटा तो पहले स्टेप की हम बात करते हैं दैट इज नथिंग बट पहला स्टेप क्या है बेटा तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कहते हैं क्या कहते कहते हैं हैं बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट हम फर्स्ट स्टेप राइट तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ऐसा नहीं कि एक झटके में पूरा प्रोसेस होगा तो so, पहले आ जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट दूसरा आ जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ एक हिस्सा उस वाटर का उस सीवेज वाटर में जो भी अलग अलग कॉम्पोनेंट है वो रिमूव किए जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में और कुछ रिमूव किया जाता है ये बात हमें ध्यान में रखनी है और उसी को हम समझेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस चलाया जाता है तो सीवेज ट्रीटमेंट इट इन वॉल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट इज नथिंग बट इट इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड आफ्टर दैट इट इन्वॉल्व सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो इसी को हमें डिटेल में समझना है कि किस प्रोसेस में किस चीजों को रिमूव किया जा रहा है वो समझेंगे हम जैसे हम सीवेज कहते हैं बेटा हमने क्या समझा उसमें दो कंपोनेंट है ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा है और माइक्रोब्स हैं और माइक्रोब भी कैसे हैं बेटा पैथोजेनिक है मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है बट जैसे हम इस पर्टिकुलर वाटर की बात करते हैं तो इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि इस में, में क्या होता है क्या होता है बेटा फ्लोटिंग डेब्रिस फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब पानी पर तैरने वाली बहुत सारी चीजें उसमें होती है किसी ने प्लास्टिक बैग फेंक दिया किसी ने गाड़ी का टायर फेंक दिया फेंक दिया बेटा उसमें किसी ने पॉलिथीन बैग्स फेंक दी पेड़ की डाली टूटकर उसमें गिर चुकी है तो ये सारी चीजें पूरे बड़े नाले से होकर कहा जा रही है बेटा तो सैंड होगी पैबल्स होंगे बेटा तो ये सारी चीजें भी उस वॉटर में होती है और ये भी उसमें आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ चीजें रिमूव की जाती हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कुछ चीजें रिमूव की जाती है, सीवेज, वाटर से, उसे हमें है तो लेट स्टार्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है और किस तरह से ये काम करता है उसे हम धीरे धीरे समझेंगे बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट इस ट्रीटमेंट को फर्स्ट ट्रीटमेंट हम कहते हैं इसी की वजह से नाम आ चुका है प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी जैसे ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर आ जाता है उस वाटर में बहुत सारी चीजें हैं तो अब क्या किया जा रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट में उस सीवेज वाटर से कुछ चीजें रिमूव करने का काम किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेटा राइट और प्राइमरी ट्रीटमेंट एक एक फिजिकल प्रोसेस है कि जिसमें स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स उस वाटर से रिमूव किए जाते हैं किससे बेटा उस प्राइमरी ट्रीटमेंट से यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेटा राइट इट इन्वॉल्व वॉट रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ स्मॉल स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स उस वाटर से रिमूव किए जाते हैं दैट इज बाय ऑफ ये किस प्रोसेस से रिमूव किए जाते हैं उसमें आ जाता है बेटा फिल्ट्रेशन राइट एंड सेडिमेंटेशन से रिमूव किया जाता है बेटा स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं राइट right? तो

जैसे ही हम बात करें बेटा इन प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो यहां पर क्या होता है बेटा तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है बेटा फिल्ट्रेशन किया जा रहा है तो यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो यहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं फिल्ट्रेशन कर है. रहे हैं राइट फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कर रहे हैं फिल्ट्रेशन राइट से क्या रिमूव किया जा रहा है बेटा राइट फ्लोटिंग डेब्रिस इज अ रिमूव फ्लॉटिंग डेब्रिस डेब्रिस इज अ रिमूव बाई यूजिंग सिक्वेंशियल फिल्टर्स सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हम कहें बेटा से रिमूव किया जाता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से रिमूव किया जाता है किस तरह से हम डायग्राम से भी समझेंगे बेटा तो राइट ग्रीट ग्रीट यानी उसमें क्या आएगा बेटा सैंड आएगी उसमें क्या आएगा पेबल्स आएंगे बेटा राइट आर रिमूव बाय व्हाट सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन एक सेटलिंग टैंक होता है उससे रिमूव किया जाता है बेटा विल अंडरस्टैंड इट एज वेल ओके तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इट्स अ फिजिकल प्रोसेस राइट इट इनवॉल्स रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज वॉटर कि जहां पर फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस एक सब प्रोसेस वहां पर चलाई जाती है फिल्ट्रेशन में जो भी कुछ फ्लोटिंग डेब्रेस मतलब उस सीवेज वाटर में जो पानी पर तैरने वाली चीज़ें होती हैं उसे रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग सिक्वेंशियल फिल्टर्स वेरास जो ग्रीट होती है उस वाटर में सैंड होती है पेबल्स होते हैं कंकड़ होते हैं रेड छोटे पत्थर होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस तो ये प्रोसेस किस तरह से चलाया जाता है उसे भी हम समझेंगे बेटा विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम विल अंडरस्टैंड अबाउट इट ओके यू कैन सी हियर यहां पर ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है बेटा दिस इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है बेटा फिल्ट्रेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कहें बेटा तो यहां पर फिल्ट्रेशन किया जा रहा है आप देख सकते हो तो क्या किया जाता है फिल्ट्रेशन में तो यहां पर ये सीवेज वाटर यहां पर एसटीपी में एंटर हो चुका है प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है यहां पर स्क्रीनर्स होते हैं बेटा फिल्टर्स होते हैं और उस फिल्टर से सीवेज वाटर को पास किया जाता है भेजा जाता है स्क्रीनर्स स्क्रीनर्स में अलग-अलग साइज के मतलब दूसरे स्क्रीनर में तो यहाँ पर इस स्क्रीनर से जो चीजें आगे पास नहीं हो पाएंगी वो यहीं पर अटक जाएंगे बेटा इस स्क्रीनर से जो चीजें आगे नहीं जा पाएंगी बेटा वो यहीं पर अटक जाएंगे मतलब यहाँ पर हमने क्या किया सीवेज वाटर से फ्लोटिंग डेब्रिस्ट

एक सेटलिंग टैंक में क्या किया जाता है रोका जाता है राइट right? मतलब अभी भी इस वाटर में क्या है और बहुत सारी चीजें हैं ग्रीट है सेटलिंग टैंक यानी ये भी प्राइमरी ट्रीटमेंट ही चल रही है बेटा यानी यहां पर क्या किया जा रहा है ये भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है राइट प्राइमरी ट्रीटमेंट में यहां पर क्या किया जाता है तो सेटलिंग टैंक का उपयोग किया जाता है राइट सेटलिंग टैंक यहां पर एक तरह से यूज में लाया जाता है राइट यानी स्क्रीनर से जो वाटर आ चुका है उस वाटर को इस पर्टिकुलर सेटलिंग टैंक में क्या किया गया रोका गया अब क्या होता है बेटा इस वाटर में क्या ये काला पानी है बेटा इस वाटर में क्या है तो काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट माइक्रोब्स हैं उनको तो अभी हमने अभी तक रिमूव नहीं किया और बट उसी के साथ साथ इस वाटर में क्या है काफी ज्यादा ग्रीट है काफी ज़्यादा सैंड है, पेबल्स हैं। ये सारी चीजें उस वाटर में।, अब क्या होता है? इस में। जैसे क्या होता है सेडिमेंटेशन होता है चीजों को क्या कुछ एक वजन है बेटा इनका तो वजह से क्या होता है नीचे सारी सेटल हो जाती है, है इसमें हम सेटलिंग की बात कर रहे हैं जहां पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस राइट right, सेडिमेंटेशन हम कहते हैं सेडिमेंटेशन ड्राइव किया जा रहा है बेटा सेडिमेंटेशन चलाने का काम किया जा है, क्या, होंगे बेटा, दीरी दीरी इस वाटर में क्या होंगे सेटल हो जाएंगे राइट right? और नीचे सेटल जो होते हैं बेटा दिस इज नीचे सेटल हो जाता है राइट आर यू अंडरस्टैंडिंग इसे कहा जाता है प्राइमरी स्लज हम इसे कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इसे

माइक्रोब्स 100% है उनको अब तक हमने हाथ नहीं लगाया जो ऊपर वाला वाटर होता है कि बेटा उस वाटर को कहा जाता है सुपरनेटेंट हम उसे कहते हैं सुपरनेटेंट हम उसे कहते हैं ओके जो काला पानी है बट क्या इसमें अब कंकड़ बाकी है नहीं तो वो नीचे सेटल हो चुके हैं और इसी को हम प्राइमरी स्लज कहते हैं अब क्या किया जाता है यहां से इस सेटलिंग टैंक से वाटर को भेजा जाता है राइट कहां पर

सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसे भेजने का काम किया जाता है बेटा अभी भी इसमें 100% ऑर्गेनिक मैटर है 100% माइक्रोब्स हैं अब इस वाटर को भेजा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बेटा राइट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम कहते हैं क्यों कहा जाता है उसे भी हम थोड़ा समझे बेटा राइट सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम कहते बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए इसे कहा जाता है कि हमने स्टार्टिंग में एक लाइन क्लियर किया था कि सीवेज ट्रीटमेंट में उस सीवेज वाटर में जो नेचुरली प्रेजेंट रहने वाले जो हिट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है मतलब यहाँ पर माइक्रोब्स का उपयोग करके सीवेज को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें जो काफी लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसे कम करने में माइक्रोब का उपयोग किया जा रहा है यानी एक लिविंग बैक्टीरिया लिविंग माइक्रोब्स का उपयोग करके सीवेज में जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उसे कम किया जा रहा है इसलिए इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है बिकॉज उसी वाटर में प्रेजेंट रहने वाले ऑर्गेनिक मैटर सॉरी हिट्रोट्रोपिक माइक्रोब का इस्तेमाल किया जा रहा है तो अब क्या किया जाता है तो जो सीवेज वॉटर यानी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से इफ्लुएंट बाहर आ, आ चुका वॉटर उस वॉटर को क्या किया जाता है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लाया जाता है इन लार्ज एरेशन टैंक बेटा यानी इफ्लुएंट राइट इफ्लुएंट राइट फ्रॉम फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट राइट इज पास्ट यानी भेजा जाता है पास्ट इनटू लार्ज एरेशन टैंक लार्ज एरेशन टैंक लार्ज एरेशन टैंक यानी एक बड़ा टैंक होता है और उस लार्ज एरेशन टैंक में क्या किया उसे एरेशन टैंक मतलब वहां पर एयर पंप की जाती है एज एयर उसमें पंप की जाती है इसलिए इसे लार्ज एरेशन टैंक कहा जाता है वहां पर उस वाटर को क्या किया जाता है भेजा जाता है बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप पता तो चल जाता है यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो इन्फ्लुएंट आ चुका है उसे भेजा गया है कहां पर बेटा तो यहाँ पर लार्ज एरेशन टैंक में भेजा जाता है इसे लार्ज एरेशन टैंक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें क्या किया जा रहा है एयर पंप किया जा रहा है राइट एक तरह से ऑक्सीजन भेजा जा रहा है इस टैंक में और यहाँ पर क्या होता है

जो सीवेज वाटर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से इफ्लुएंट यहाँ पर आ चुका है राइट वो भी क्या होगा तो उसका होमोजिनाइजेशन होगा एक तरह से एक मिक्सिंग होगी बेटा और इसी क्या होता है है तो इस सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम कौन करते हैं बेटा तो माइक्रोब करते हैं माइक्रोब उसे खाना स्टार्ट करते हैं उसे एज अ फूड सोर्स उसे एरोबिकली ऑक्सीडाइज करते हैं राइट मतलब धीरे धीरे क्या होगा वो ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं बेटा राइट तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा तो एरोबिकली माइक्रोब माइक्रोब ग्रो ग्रो हो रहे ग्रो हो रहे रहे हैं हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो सर कांस्टेंट एजिटेशन क्यों किया जाता है तो कांस्टेंट एजिटेशन की वजह से हर एक सेल को हर एक जो हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया फंगाइ इस वाटर में है प्रोटोजोआ इस वाटर में है उन्हें क्या मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा उन्हें फूड मिलेगा और उसकी वजह से क्या होगा ऑक्सीडेशन काफी फास्ट होगा और माइक्रो खूब

यानी 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 जो आ चुका है है क्या हो रहा है? वो पूरा घूम रहा है बेटा यानी और उसमें क्या है ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा है और माइक्रोब भी है और माइक्रोब क्या करते हैं एरोबिकली क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक है? मैटर खा जाते हैं बेटा राइट दिस अलाउज एनसीआरटी क्या कहता है उसे दिस अलाउज अलाउज वीगरस ग्रोथ ग्रोथ ऑफ यूजफुल यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स एरोबिक माइक्रोब्स मतलब क्या होगा बेटा सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो माइक्रोब्स क्या करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उस वाटर में जो भी ऑर्गेनिक है उसे वो ऑक्सीडाइज करेंगे उसे खाएंगे तो दीरे दीरे को खा रहे हैं तो माइक्रोब फूड से एनर्जी बनाएंगे बनाई गई एनर्जी सेल डिविजन में यूज करेंगे और में हमें पता है उनकी जो सेल डिविजन से ग्रोथ होती है वही उनका रिप्रोडक्शन होता है हमें पता है मतलब माइक्रोब्स का पॉपुलेशन उस लार्ज एरेशन टैंक में धीरे-धीरे धीरे-धीरे बढ़ेगा बेटा धीरी धीरी क्या होगा बढ़ेगा राइट right? और यहां पर बैक्टीरिया और फंगाई के एसोसिएशन से बैक्टीरिया और फ्लॉक्स राइट फ्लॉक्स आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ ड्यू टू विगरस ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स क्या है बेटा तो बैक्टीरिया राइट right? बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट फंगल फिलामेंट के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मासिस होते हैं बेटा उसे क्या कहा जाता है फ्लॉक्स मतलब धीरे धीरे क्या होगा बेटा तो फ्लॉक्स का नंबर बढ़ेगा कहां पर बेटा लार्ज एरेशन टैंक में ये हो क्यों रहा है बेटा? राइट बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज एरोबिकली और अनएरोबिकली एरोबिकली बेटा राइट ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड राइट बाय बैक्टीरिया यानी लार्ज अमाउंट ऑफ जो भी माइक्रोब हम कहें तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज यहां पर कई सारे जीव हैं माइक्रोब राइट चीज और इससे क्या बनेगा बेटा तो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कम होगा धीरे धीरे क्या होगा कम हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर और किसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा तो माइक्रोब्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो माइक्रोब की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा फ्लॉक्स बनते हैं फ्लॉक्स बन जाते हैं तो फ्लॉक्स क्या है तो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट की दोस्ती से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं बेटा राइट अब यहां पर ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही धीरे-धीरे कम हो जाता है तो उस वाटर सैंपल का बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है बेटा क्या हो जाता है राइट बीओडी ऑफ सीवेज वाटर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस राइट दिस रिजल्ट्स इन दिस रिजल्ट्स इन राइट रिजल्ट्स इन रिड्यूस द बीओडी ड्यूस बीओडी सिग्निफिकेंटली बेटा यानी बीओडी कम हो जाता है जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो बीओडी भी कम होता है तो वॉट इज बीओडी बीओडी क्या है बेटा तो बीओडी इज बेसिकली बीओडी इज बेसिकली बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर से बायो केमिकल हा यस yes. ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आप कह सकते हो ऑक्सीजन डिमांड हम कहते हैं डिमांड हम कहते हैं बीओडी तरह से होता क्या है तो Biodi एक टेस्ट है कि जिस टेस्ट से, राइट हम किसी सीवेज वाटर में या किसी वेस्ट वाटर में या किसी वाटर सैंपल में कितना ऑर्गेनिक मैटर है हम वो मेजर कर सकते हैं बेटा ये एक ऐसा टेस्ट है कि इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि राइट कि ये मेजर क्या करता है तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी राइट दैट वुड बी कंज्यूम्ड राइट इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ वॉट वॉटर सैंपल बेटा यानी एक लीटर वाटर सैंपल में जो भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं बीओडी हम कहते हैं मतलब एक तरह से बीओडी इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन अपटेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब इनडायरेक्टली ये मेजर क्या करता है किसी वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसे वो मेजर करने का काम करता है कोई माइक्रोबियल सेल या हमारा सेल कहे हमारा सेल भी ऑक्सीजन की यूज करता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है किसी रेस्पायरेटरी सबस्टेट का ऑक्सीडेशन करना है इसलिए हमारा सेल भी ग्लूकोज ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है मतलब हमारा सेल जो है ग्लूकोज जैसे ही मिलेगा सेल को बाय ट्रांसपोर्टर हम कहें तो उसका एरोबिक ऑक्सीडेशन करेगा उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, करेगा मतलब ग्लाइकोलिस चलेगा ई एम पी पाच चलेगा टीसीए साइकिल चलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी जो माइटोकॉन्ड्रे की इनर मेम्ब्रेन में स्थित है ये सब चलेंगी तो थर्टी एट बनेंगे मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया गया तो ऑक्सीजन पर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है तो उसी तरह से माइक्रोब भी क्या करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन राइट वन ऑक्सीजन कितना वो ले रहे हैं राइट यानी इनडायरेक्टली किसी वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर है वो उसे मेजर करने का काम करता है यानी टेस्ट का वही काम है बेटा उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी किसी वाटर का ग्रेटर द बीओडी इस लाइन को हमें ध्यान में रखना है बेटा राइट ग्रेटर द बीओडी ऑफ वाटर सैंपल मोर इज सैंपल हम कहें बेटा मोर इज इट्स अ पोल्यूटिंग पोटेंशियल मोर इज इट्स अ पोल्यूटिंग पोटेंशियल ये बात हमें ध्यान में रखनी है

अल्टीमेटली क्या हो चुका है तो यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगाई के दोस्ती से क्या बन चुके हैं तो फ्लॉक्स बन चुके हैं राइट right? यानी धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो क्या होगा तो फ्लॉक्स काफी ज्यादा बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक और मैटर पूरा खाने का काम ये फ्लॉक्स करेंगे जो कि बन चुके हैं बैक्टीरिया और फंगाई के मासस से बन चुके हैं ये फ्लॉक्स बन चुके हैं बेटा अब यहां पर अब अब क्या किया जाता है इन फ्लॉक्स को भी धीरे धीरे क्या किया जाता है राइट right. यहां से रिमूव किया जाता है बेटा, राइट right. और यहां से सेटलिंग टैंक में सेटलिंग टैंक एज वेल तो ये रहा बेटा सेटलिंग टैंक यहां पर क्या किया जाता है तो जो इफ्लुएंट है बेटा इफ्लुएंट मतलब बाहर जाने वाला पानी लार्ज एरेशन टैंक से इफ्लुएंट को भेजा जाएगा बेटा कहां पर तो सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है मतलब वहां पर क्या हुआ था कि फ्लॉक्स काफी ज्यादा बन चुके थे तो उस वॉटर उस इफ्लुएंट को जिसमें काफी ज्यादा फ्लॉक्स है उन्हें भेजा गया बेटा कहां पर पर तो यहां सेटलिंग टैंक में भेजा गया फ्लॉक्स है वो भी क्या होंगे बेटा धीरे धीरे बॉटम में सेटल हो जाएंगे बेटा फ्लॉक्स में क्या है बेटा तो सेल्स हैं बेटा बैक्टीरिया हो हो उनके सेल्स हैं बेटा तो ये फ्लॉक्स फ्लॉक्स जो है वो नीचे सेटल हो जाएंगे बेटा अगेन इनका क्या हो रहा है तो सेडिमेंटेशन हो रहा है

फ्लॉक्स uh, क्या कर रहे थे तो काफी तेजी से वो क्या कर रहे थे खा रहे थे बेटा किसे तो ऑर्गेनिक मैटर को वो खा रहे थे तो क्या किया जाता है पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड पंप किया जाता है राइट पार्ट ऑफ क्या किया जाता है एक्टिवेटेड स्लज एक्टिवेटेड स्लज राइट ये क्या किया जाता है तो इट इज पंप्ड बैक मतलब large aeration tank चलाने का काम करते हैं उन्हें इनोकुल जाता है उन्हें स्टार्टर कल्चर कहा जाता है मतलब कुछ फ्लॉक्स को जो का मेटाबोलिकली रहा है लार्ज एरेशन टैंक में तो आपके दिमाग में ये सवाल आना जरूरी है कि सर प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो वाटर आएगा उस वाटर में भी तो बैक्टीरिया होंगे तो हम यहां से इनोकुलम भेज तो तो मतलब भेजा जाता है इसलिए कुछ एक फ्लॉक्स को बैक पंप किया जाता है कहां पर एरेशन टैंक में भेजा जाता है तो मेजोरिटी मतलब नाइनटी परसेंट फ्लॉक्स जो है बेटा राइट उन फ्लॉक्स को भेजने का काम किया जाता है

डाइजेस्टर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसको उसको भी हम समझे बेटा राइट उसको भी हम समझे ये लार्ज अनैर्विक्सल डाइजेस्टर बेटा अब यहाँ पर क्या आ चुके हैं बेटा फ्लॉक्स आ चुके हैं ये रहे है फ्लॉक्स बेटा यहाँ पर ये फ्लॉक्स आ चुके हैं राइट कहाँ से आ गए बेटा ये तो सेटलिंग टैंक से ये फ्लॉक्स आ चुके हैं बेटा राइट बट ये फ्लॉक्स क्या है तो बैक्टीरिया और फंगाई के मासिस हैं बेटा मैश लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा और इनमें मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं बट यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं है बट यहां पर इस लार्ज रेट यानी कहा कहां से आई है बेटा ये 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 भी आ गए बेटा फ्लॉक्स आ गए यहां पर सेटलिंग टैंक से ये पास हुए लार्ज अनैरबिक स्लज डाइजेस्टर तो ये क्या है बेटा अन एरोबिक अन क्या है बेटा स्लज डाइजेस्टर है ये स्लज डाइजेस्टर है तो अब यहां पर तो ऑर्गेनिक मैटर ना के बराबर है अब यहां पर ना तो ऑक्सीजन है एयर कहां से पंप नहीं किया गया, गया बेटा तो अब यहां पर होता क्या है कुछ एक बैक्टीरिया, right? right? हम, हम तो फूड तो तो नहीं है बेटा तो वो फूड की फॉर्म में इन पर्टिकुलर वॉट बैक्टीरिया और फंगाई जो प्रेजेंट रहते हैं इस फ्लॉक्स में जो है इन फ्लॉक्स को ही खाना स्टार्ट करते हैं बेटा इन फ्लॉक्स को ही वो खाना स्टार्ट करते हैं एरोबिकली अनेरबिकली अनेरबिकली बेटा यानी अनेरबिक स्लस डाइजेस्टर में कुछ एक बैक्टीरिया राइट दे ग्रो अनेरोबिकली राइट right. Anaerobically, right anaerobically वो ग्रोथ दिखाते हैं और क्या करते हैं बेटा वो फ्लॉक्स को ही खा जाते हैं बेटा और फ्लॉक्स को खाते हैं बट यहां पर कुछ और गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं राइट ग्रोथ इज देयर एंड प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस

कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसी को हम बायोगैस कहते हैं राइट right? और ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस जो बायोगैस हम कहते हैं इट्स इनफ्लेमेबल राइट मिक्सचर ऑफ गैसेस जो इस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं राइट आर यूज्ड एज अ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इनका इस्तेमाल किया जाता है मतलब ऑर्गेनिक मैटर सीवेज पूरा खत्म हुआ अंडरस्टैंडिंग तो उसी के साथ साथ लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है यानी कुछ ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेस मिल रहे हैं कि जिनका इस्तेमाल हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी करते हैं राइट यानी एक तरह से हमारा फायदा भी हुआ यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर सीवेज वाटर में मुझे पूछना है आपको क्या इस वाटर में कुछ है कुछ भी नहीं है राइट तो इस वाटर को राइट हम इस इफ्लुएंट को नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं वाटर बॉडी, राइट में हम क्या कर सकते हैं रिलीज कर सकते हैं अब इसमें किसी तरह के ऑर्गेनिक नहीं है बेटा, राइट राइट रिवर हो, ट्रीटमेंट दिस वॉटर एनी काइंड ऑर्गेनिक मैटर मतलब काफी कम ऑर्गेनिक मैटर है हमें कहना उचित नहीं है बट इसमें काफी कम वाटर uh, यानी ऑर्गेनिक मैटर है और ये वाटर जो रिलीज किया जाएगा नेचुरल वाटर बॉडीज में राइट किसी रिवर में किसी स्ट्रीम में इट वॉन्ट विल कॉज डैमेज टू द एनी फूड चेन फूड वेब किसी, किसी ट्रॉपिकल लेवल को कुछ नुकसान नहीं होगा मतलब इट विल बी वॉट लेस पोल्यूटिंग, इट विल बी वॉट लेस पोल्यूटिंग बेटा और यहां पर ये सीवेज ट्रीटमेंट का पॉइंट पूरा हो जाता है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट का पॉइंट पूरा हो जाता है ये बात हमें ध्यान में रखनी है बेटा और इस तरह से सीवी ट्रीटमेंट की जाती है बेटा तो आई होप सो यू गॉट सर्टेन पॉइंट्स वन राइट यू अंडरस्टैंड सर्टेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीवी ट्रीटमेंट पॉइंट सो आज जो आपने सीखा उसको आज ही टेस्ट कीजिए इन आईआईबी पीसीबी ऐप रजिस्टर टुडे फॉर आईआईबी पीसीबी आधार प्रोग्राम सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू